नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी न्यूज प्लस 24। छत्तीसगढ़ के दुर्ग कोंदल में अवैध फर्नीचर रखने का आरोप सच साबित हुआ। उस समय जब आपको बता दें, लंबे समय अखबारों में खबरें आ रही थी, पुलिस थाना दुर्ग कोंदल में बड़ी मात्रा में सागौन की अवैध फर्नीचर रखी है और कारपेंटरों के माध्यम से अपने मनपसंद फर्नीचर निर्माण किया जा रहा है। पुलिस थाना दुर्ग कोंदल में फर्नीचर की खबरें आने के बाद भी वन विभाग के रेंजर और वन कर्मी द्वारा पुलिस थाना पहुंचकर जांच किया। वहीं पुलिस से मिली भगत के चलते एक भी लकड़ी जब्त नहीं किया। रेंजर, डीएफओ, सीसीएफ से फोन के माध्यम से शिकायत कर सूक्ष्म जांच करने की मांग की गई थी। डीएफओ ठोस सबूत पर कार्यवाही की बात करते रहे, जहां वन विभाग और पुलिस की मिली भगत से कार्यवाही नहीं होने पर आक्रोशित आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस थाना का घेराव के लिए तहसीलदार को आवेदन दिया। पुलिस थाना के घेराव की खबरें मिलते ही एसडीओपी प्रशांत पैकरा आदिवासी समाज के नाकेबंदी स्थल पहुंचे, जहां सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष जगत राम दुग्गा सहित अन्य लोगों को मनाने की कोशिश किया। वहीं एसडीओपी ने चार दिन के भीतर टीआई पीलादास चंद्रा को हटाने की बात कही। सर्व आदिवासी समाज द्वारा थाने से सागौन का लट्ठा और फर्नीचर बरामद किया गया। एसडीओपी प्रशांत पैकरा द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।